अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी भले ही मांग ली हो, लेकिन गहलोत का गद्दी प्रेम से पार्टी के राजस्थान में डूबने के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। मीडिया में एक कागज वायरल हो रहा है जिसमें लिखे 10 पॉइंट को लेकर भी गहलोत के दिल में अब भी बगावत सुलगने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी से 10 जनपद में मिलने जाते समय ये कागज गहलोत के हाथ में था। हालांकि सभी बिंदु साफ नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सोनिया से माफी मांगने की बात इस स्क्रिप्ट में साफ झलक रही है। इस कागज में पहली ही लाइन है कि जो हुआ बहुत दुखद हुआ, मैं इससे आहत हूँ। सोनिया से मुलाकात के बाद गहलोत ने ये लाइनें दोहराई भी। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है। इस कागज में ये भी लिखा बताया जाता है कि सचिन पार्टी छोड़ देगा, ऑब्जर्वर। पार्टी के लिए अच्छा होता। इसके बाद अगले पॉइंट में 102 वर्सेस 18 का भी जिक्र है, यानी गहलोत सोनिया के सामने फिर अपनी दावेदारी जाहिर करके आए हैं। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि गहलोत के पास 102 और सचिन के पास सिर्फ 187 विधायकों का समर्थन है। वहीं एक जगह सीपी जोशी का भी जिक्र है, जिन्हें गहलोत की जगह सीएम बनाने के लिए उनका खेमा पैरवी कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि गहलोत के माफी मांगने के बाद भी उनके समर्थक विधायक गोविंद राम मेघवाल दावा कर रहे हैं कि अगर विरोधी खेमे से सीएम बनाया गया तो विधायक सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि कांग्रेस ने सभी विधायकों को पार्टी के अंदरूनी मामलों पर मीडिया में बोलने से परहेज करने को कहा है, फिर भी गुटबाजी अपने चरम पर नजर आ रही है। यही नहीं, गहलोत के हाथ के कागज में ये भी झलका कि वो सोनिया के सामने पुष्कर की सभा में पायलट समर्थकों के जूता उछालने की घटना का जिक्र करना नहीं भूलना चाहते। इस पर गहलोत समर्थक अशोक चांदा ने ट्वीट कर पायलट को सीधी धमकी दी थी। वहीं पार्टी मुख्यालय में पायलट समर्थकों ने सचिन के पक्ष में अशोक गहलोत के सामने नारेबाजी कर तय कर दिया कि कांग्रेस आलाकमान के लिए बीच का रास्ता निकालना आसान नहीं है। इससे पहले सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात के बाद बाहर आए पायलट ने बताया कि सोनिया ने उन्हें मामले पर जल्द फैसला लेने का भरोसा दिलाया है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम इसी तरह मेहनत कर कर 2023 का लोकसभा चुनाव जीते, उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। और पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत कर कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाए। उधर गहलोत समर्थक ऑब्जर्वर बनकर जयपुर गए अजय माकन की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि माकन गहलोत की खुद ही मुखालफत कर रहे हैं, ऐसे में उनके ऑब्जर्वेशन पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। समझा जा रहा है कि अब दूसरे नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा जाएगा और एक लाइन का प्रस्ताव पारित कराया जाएगा। आला कमान को उम्मीद है कि गहलोत के समर्थन में मुखर तीनों विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस जारी होने की वजह से विधायक निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखेंगे। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 की तरफ से आनंद शर्मा ने भी गहलोत से मुलाकात की। समझा जा रहा है कि राजस्थान के सीएम की कुर्सी गहलोत से छीन लेने पर कांग्रेस आला कमान का इकबाल लौट सकता है। लेकिन ये भी तय है कि पायलट को सीएम ना बनाने पर भी मामला सुलझने के आसार नहीं है। वहीं 4 साल सत्ता सुख भोगने के बाद भी गहलोत समर्थक विधायक इस्तीफा देकर सरकार गिराने को तैयार हैं। बहरहाल पार्टी के मरणासन होने के बावजूद नेताओं में सत्ता की हवस इस कदर सवार है कि सरकार भले ही चली जाए लेकिन दूसरे को कुर्सी देने से साफ इनकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।